आज मसाला किचन में बन रहा है आप लोगों की ढेरों फरमाइश से रेड वेलवेट केक। अक्सर हम बहुत सारे केक बनाते रहते हैं, लेकिन रेड वेलवेट जो केक होता है उसे बनाना लगता है बहुत ही मुश्किल। आज हमने कर दिया बहुत आसान, बिना अंडे, बिना बटर, बिना बेकिंग इस केक को जरूर बनाइए। यदि आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। अभी तक मेरे व्यूअर्स यही कहते हैं कि बिना अंडे रेड वेलवेट केक कैसे बनेगा, बिना विनेगर कैसे बनेगा ये रेड वेलवेट केक, इतना स्पॉन्जी, इतना वेलवेटी। आज बनेगा, आज देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए, मैंने लिया एक बोल, इसमें लिया है मैंने होममेड 1/4 कप कंडेंस मिल्क। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कंडेंस मिल्क ना हो तब आप क्या करें। यहाँ ले रही हूँ मैं 1/4 कप नॉर्मल घर का दही, 1/4 कप ही मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल। जब भी आप रिफाइंड ऑयल केक के लिए लेते हैं तब कोई भी तीखा फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बिल्कुल ना लें, क्योंकि केक में हमें लाइट सा फ्लेवर चाहिए होता है। चाहे तो आप बटर ले सकते हैं, शुद्ध घी भी ले सकते हैं। अब यहाँ ले रही हूँ मैं 1/3 कप, मतलब एक कटोरी का तीसरा हिस्सा पिसी चीनी। अब यदि हमारे पास कंडेंस मिल्क ना हो तब आप क्या करेंगे, चीनी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और दही को आधा कप कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है, ये देखिए इसी तरीके से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, केक टिन को सेट कर देते हैं। किस किस को रेड वेलवेट केक पहले से ही बनाना आता था मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जिस केक टिन में आपको केक बनाना है उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर चारों तरफ से स्प्रेड कर दीजिए। यदि हमारे पास कोई भी बटर पेपर वगैरह नहीं है तब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच मैदा, पर अगर बटर पेपर है तब आप इसे डालिए ज़रूर। आज मैं बटर पेपर आपको साइड से भी लगाकर दिखा रही हूँ कि कई व्यूअर्स ये कहते हैं हमारा साइड से केक जल जाता है, अब ये शिकायत भी नहीं आएगी। इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब उसी मिश्रण को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। यहां रख रही हूं मैं 1 छन्नी, 1 कटोरी मैं ले रही हूं मैदा, कोई भी 1 कटोरी सेट कर लीजिए, सारी चीजें उसी से ही नाप लीजिए। यहां ले रही हूं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मेरे कई व्यूअर्स कहते हैं बेकिंग पाउडर ना हो तो प्लीज़ बेकिंग पाउडर आप ज़रूर डालें, क्योंकि केक में जितना रिजल्ट आपको बेकिंग पाउडर से अच्छा मिलेगा और किसी चीज़ से उतना अच्छा नहीं मिलेगा। केक बन तो सबसे जाते हैं, इनो से भी बनते हैं, बेकिंग सोडा से भी बनते हैं, लेकिन टेस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए, खाने वाला भी तो आपकी तारीफ करे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें, और बेकिंग सोडा डालेंगे तो थोड़ा सा डालें, वो मैं बाद में दिखाऊंगी हमें कितना डालना है। यहाँ पर देखिए मैदे को हमने मिक्स कर दिया। इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप दूध। अब क्योंकि हम इसको रेड वेलवेट केक का टेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर मैंने रेड कलर डाल दिया है। अगर आपके पास बीट रूट है ताज़ा तो उसका जूस भी डाल सकते हैं, फिर दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए। एक बात और, आपने रेड वेलवेट केक के लिए ज़रूर देखा होगा कि कई लोग इसमें कोको पाउडर भी डालते हैं, लेकिन उनका केक थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है, मतलब हल्का ब्राउनिश सा ही हो जाता है। तो मैंने एक ऑलरेडी कोको पाउडर से बना के रखा है, उसका कलर कैसा होता है और इसका कलर कैसा होगा, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है कोको पाउडर। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि कोको पाउडर से कैसा कलर होगा और कोको पाउडर नहीं डालेंगे तो कैसा कलर होगा। तो जैसा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए मैं इस केक में और क्या डाल रही हूँ। मैं कोई विनेगर नहीं डालूंगी, विनेगर का फ्लेवर मुझे पसंद नहीं आता। 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया नींबू का रस और 1/4 टीस्पून डाल दिया मैंने मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लास्ट में डालना है। ऐसा करने से इस केक का वेलवेटी टेक्सचर आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके पास है तो थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब इसे केक टिन में डाल दीजिए।
अब आपको इस केक को यदि बेक करना है अवन में, तो आप 180 डिग्री पर प्रीहीटेड अवन में इसको बेक कीजिए। कम से कम 25 से 30 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको पता है मैं तो इसे हमेशा बिना अवन के बनाती हूँ। यहाँ मैंने एक पतीला रख दिया है, जिसमें मैंने एक रैक रख दिया है, नमक नहीं डाला है, और 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्रीहीट किया हुआ है। अब ये प्रीहीटेड है, इसमें मैंने यहाँ पर केक टिन रख दिया है। अभी ये जो आँच है ज़्यादा है, एक मिनट के बाद इसकी फ्लेम बिल्कुल कम कर दूँगी। कम से कम इस केक को पकने में 35 से 40 मिनट लगेंगे, लेकिन 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगे कि इसे हीट नहीं मिल रही है, तो आप थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 10 मिनट हुए हैं इस केक को, ये राइज होना आराम से शुरू हो गया है हर तरफ से, तो मतलब ये हमने जो फ्लेम रखी है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कभी ऐसा हो कि आपका केक राइज ही नहीं हो, 10 मिनट हो गए हैं, तो आप फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दिया कीजिए। ये देखिए, करेक्ट 40 मिनट हुए हैं और केक बिल्कुल परफेक्ट बना है। मैंने अभी चेक नहीं किया पर मुझे दिख रहा है, और ये जो होल दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल लगा लिया था जिससे इसे हवा ना जाए। अब ये हाथ लगा के देखिए, आपको टच करने से अंदर ही महसूस होगा कि ये केक तैयार है। पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको सच की लकड़ी जो कहते हैं ना, देखना चाहिए कि हमें ये करेक्ट बनाए कि नहीं, वो भी देख लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट केक बन चुका है। इसका कलर भी आप देखिए कितना सुंदर आया है, हमने कोको पाउडर नहीं डाला है, तो ये कलर है। और ये तैयार है केक, गैस बंद कर देते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इसे निकालेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस रेड वेलवेट केक में मैंने विनेगर नहीं डाला। इसको बनाइए, इसका टेस्ट मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है इसका टेस्ट बिना विनेगर के। वाव, सुपर सॉफ्ट कॉटन सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। आप भी देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। हर तरफ से बनाया कलर कितना सोना है, आप देख लीजिए। क्या जरूरत है इसमें बटर डालने की, क्या जरूरत है इसमें अंडे डालने की, ये बहुत ही केक बढ़िया बना है। और ये देखिए, यहाँ मैंने जो पहले से केक बना के रखा है उसमें क्या प्रॉब्लम आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो कलर में चेंज है। कलर में क्यों चेंज है, क्योंकि मैंने इसमें 2 टीस्पून कोको पाउडर डाला था। बेक बिल्कुल इसी तरीके से किया था, इसी साइज़ के मोल्ड में और इसी मिश्रण से। यहाँ इस केक में देख लीजिए, जो ऊपर से क्रैक्स आए हैं, ये कई मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन रहता है कि हमारे केक में ऊपर से क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स आने का क्या कारण है वो मैं आज आपके साथ क्लियर कर लेती हूँ। ये मैंने जानकर इस मिश्रण को थोड़ा सा थिक रखा था। अगर हम मिश्रण को थोड़ा सा थिक रखेंगे, मतलब 1-2 चम्मच दूध की यदि हम कमी कर देते हैं, तो यहाँ पर वो क्रैक्स आते हैं। तो इससे परेशान बिल्कुल ना होइए, आगे से जब आप बनाएं तो 1-2 चम्मच दूध और ज़्यादा डालें। और हाँ, आज केक तो मैं बना ही रही हूँ, साथ में लास्ट में आपको इसकी थोड़ी आइसिंग भी करना सिखा दूंगी, बिना नोजल के, बिना टेंशन के। इस क्रीम चीज़ को मैंने कैसे बनाया घर पर सिर्फ और सिर्फ दूध से, वो रेसिपी मैं आपको कल दूंगी। उससे आप चीज़ स्प्रेड भी बना सकते हैं और क्रीम चीज़ भी बना सकते हैं। इंजॉय कीजिए, कल उसका रेसिपी ज़रूर देखिए। अब इसका ऊपर वाला पोर्शन हमें कट करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा फट सा गया है। और लेकिन ये वेस्ट नहीं जाएगा, मेरे को वैसे भी इसकी आइसिंग के लिए जो डिज़ाइन बनानी है, केक के ही क्रम्स चाहिए होते हैं। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो ये क्रम्स बन जाएंगे। बना बहुत ही बढ़िया है, अंदर से भी कलर अच्छा है, लेकिन 19-20 थोड़ा सा फ़र्क होता है। सॉफ्ट ये भी केक है, वो भी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप महसूस कर सकते हैं। इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी में, ये हमें डेकोरेशन के काम आएगा। ये देखिए, मैंने मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लिया, ये केक क्रम बन गया है। बाय चांस आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कैसे क्रम बनाएं, तो वाइट ब्रेड ले लीजिए, उसमें थोड़ा कलर डाल दीजिए बीट रूट का या नॉर्मल, और ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ी पिसी चीनी डाल दीजिए, आपके केक क्रम बन जाएंगे आइसिंग के लिए। इस केक को मैं 3 स्लाइस में काट लेती हूँ। ये देखिए, ये जो हमने सोडा और लेमन जूस डाला है, उसी से ही इसमें कितने सारे एयर पॉकेट्स बने हैं और केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है 1/2 ग्लास, और उसमें मैंने थोड़ी पिसी चीनी डाल दी है।
अगर आपके पास कोई जूस हो प्लेन तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं वही क्रीम चीज़ को ले रही हूँ जिसे यहाँ पर लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास बना हुआ है स्ट्रॉबेरी क्रश, अगर आपके पास ना हो तो ना डालें, पर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था तो मैं ये डाल रही हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने आपको कपकेक की रेसिपी दी थी जिसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश घर में बनाया था। हर स्लाइस के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी ये मीठा डाल दीजिए, उसके बाद क्रीम चीज़ डालिए। अब आपको मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महंगी भी बहुत मिलती है और हर जगह मिलती भी नहीं है। ये तीसरी लेयर रख ली है हमने, वही मीठा पानी थोड़ा सा, ये क्रीम चीज़ को मैंने कोन में डाल दिया है। और आज मैं आइसिंग आपको इतनी प्लेन सिखाऊंगी, कोई नोज़ल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप न्यू ईयर पे बनाएं चाहे क्रिसमस पे बनाएं, कोई टेंशन नहीं आएगा। कोन आप अपने दूध की थैली से भी बना सकते हैं। कोन से डालने में मुझे थोड़ा ईजी लगता है। बस अब इसे कोई भी नाइफ से इसे थोड़ा प्लेन कर दीजिए हर तरफ से। अब आप इसे चाहें तो थोड़ी देर फ्रिज में रख लीजिए या अभी इसकी आइसिंग कर लीजिए। मैं एक आध घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ सेट होने के लिए। तो यहाँ देखिए, अब मैं केक को लेकर आई हूँ। फ्रिज में मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था, ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर आइसिंग करेंगे। आइसिंग के लिए मैंने बताया था ना, मैं कोई तामझाम नहीं करने वाली। ये है हमारे पास क्रम्स, इनको हम धीरे धीरे सब तरफ से लगाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे लगाते जाइए, कोई नाइफ की हेल्प से या खुरपी, जो करछी हमारे घर में होती है उसकी हेल्प से चारों तरफ लगा लीजिए और इसे सब तरफ से क्लीन कर दीजिए। अब जो बचा हुआ क्रम है इसे आप ऊपर से धीरे धीरे डाल दीजिए। मैं बहुत ही सिंपल आइसिंग आपको बता रही हूँ। सब तरफ से डालने के बाद अब हमें क्या करना होगा, इस क्रीम चीज़ को थोड़ा सा कोन में भरना है और यहाँ पर थोड़ा सा हम डिज़ाइन दे देते हैं। लग रहा है ना कितना सुंदर केक, बिना नोजल बिना टेंशन के एक केक है। मैंने बहुत सारी रेसिपी दी हैं आपको, आपको कैसे लगते हैं मेरे केक्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से सिल्वर बॉल्स पड़े हैं, वो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। लीजिए, केक तैयार हो गया है, अब हम इसे कट भी कर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी पेस्ट्रीज बनाएं, चाहे तो केक रखें, जैसे आपका मन करे। मैं एक पेस्ट्री टाइप एक स्लाइस को काट लेती हूँ। लीजिए, कितना अमेजिंग सा ये केक लग रहा है। ये लग रहा है कि बिना टेंशन का केक है, बिना नोजल बिना क्रीम चीज़ लाए हुए हमने घर में बना ली क्रीम चीज़ और आपका केक भी तैयार करवा दिया। तो बस आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए इस क्रिसमस पर या न्यू ईयर पर, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।